तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे किसी भी एनसीडी या फिर बॉन्ड का हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट देखें और इंटरेस्ट पेमेंट डेट देखें। यहाँ पर जिनको इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट और इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बारे में नहीं पता, उनको मैं सिंपल में बता देता हूँ। मान लेते हैं आप किसी एनसीडी को बाई करने वाले हो, जैसे कि मान लेते हैं आप टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के एनसीडी को खरीदने वाले हो। वहाँ पर कई सारे एनसीडी है, किसी एक एनसीडी को आप बाई करने वाले हो जहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट ईयरली है, और वहाँ पर आप इंटरेस्ट पेमेंट डेट देखते हो। मान लेते हैं कि आप देखते हो वहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है 7 जुलाई 2020 को, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि हम अगर 6 जुलाई से पहले यहाँ पर बाई कर लेते हैं तो हमें 7 जुलाई को इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ जाता है इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट का। यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि कंपनी एक डेट फिक्स करती है और एक्सचेंजेस पे सबमिट करती है, उस डेट को अगर आपके डीमेट अकाउंट में वो एनसीडी या फिर बॉन्ड रहेगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब तभी आप एलिजिबल होगे इंटरेस्ट पाने के लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा, जैसे कि एक साल में अगर एक बार इंटरेस्ट पेमेंट होता है तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको एक बार में मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट 1 जुलाई को है, अगर आपके डीमेट अकाउंट में 1 जुलाई से पहले अगर एनसीडी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट पेमेंट डेट तो नॉर्मली हमें पता चल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट बहुत ही मुश्किल होता है, कहीं भी डिटेल नहीं मिल पाता इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट को पता कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बीएससी के साइट पे आया हूँ, बीएससी के साइट में क्या है, लगभग सारे एनसीडीज और बॉन्ड्स के लिस्ट है। यहाँ पर बीएससी में जैसे हम चेक करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ ऑल टैक्स फ्री बॉन्ड्स, तो यहाँ पर मान लेते हैं आप यहाँ से किसी एनसीडी का इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट चेक करना चाहते हो कि उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट क्या है, ताकि हम उसमें उस डेट से पहले तक इन्वेस्ट हो सके, ताकि हमें वहाँ पर इंटरेस्ट मिल सके। जैसे हम ईसीएल देख रहे हैं यहाँ पर 995 ECL 24, यहाँ पर ये एनसीडी डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है 927 रुपये के प्राइस पर। तो यहाँ पर जैसे हमें सिलेक्ट करना है, जैसे हम यहाँ पर ECL को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोड आ जाता है, स्क्रिप्ट कोड और ISIN नंबर भी आ जाता है। तो आपको इस ISIN नंबर को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे ये ISIN नंबर है INE804IA7212, तो यहाँ पर 212 लास्ट में है, तो इस वाले को आप नोट कर लो। अब जैसे यहाँ पर हम खोल चुके हैं, ECL फाइनेंस का यहाँ पर दिख रहा है। अब जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे करना, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाना। यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जब जाते हैं तो यहाँ पर सेगमेंट में ऑल सेगमेंट सिलेक्ट करना और सबमिट कर देना। आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर सकते हो, किस डेट के रेंज में आपको चाहिए। यहाँ पर जैसे हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जैसे अभी ये लोड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे अनाउंसमेंट है, जैसे प्रायर इंफॉर्मेशन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट रिडेम्पशन, यहाँ पर ये 22/7/2020 को अनाउंसमेंट दिया गया है, उससे पहले है, कंप्लेंट का रिलेटेड है, फिर जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह भी है, सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है, प्रायर इंफॉर्मेशन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट रिडेम्पशन है, रिकॉर्ड डेट इंटरेस्ट डिविडेंड रिडेम्पशन पेमेंट। तो अपने को फिलहाल तो रिकॉर्ड डेट पता करना है, तो यहाँ पर जैसे 30/6 को ये नोटिफिकेशन आया था, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं PDF फाइल को। जैसे ये PDF अभी डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर जैसे आप सब्जेक्ट देख सकते हो, रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ISIN नंबर आपको नोट करके रखना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने 212 ISIN नंबर को नोट किया था, तो ये रहा वहाँ ये 212 ISIN नंबर वाला NCD। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं इसका डेट ऑफ पेमेंट है 1 अगस्त 2020 को और रिकॉर्ड डेट है 10 जुलाई 2020 को, मतलब कम से कम 10 जुलाई से पहले तक या फिर कम से कम 10 जुलाई को अपने डीमेट अकाउंट में ये NCD होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा।
इस तरीके से आप रिसेंट अनाउंसमेंट को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि रिसेंट अनाउंसमेंट को भी चेक करना जरूरी है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कंप्लाइंस रिगार्डिंग सेक्शन 50 अंडर सेक्शन 1 है, यहाँ पर प्रायर इंटीमेशन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट रिडेम्पशन, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं क्या कहता है ये। हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, तो वहाँ पर अपना इंटरेस्ट पेमेंट डेट लिखा हुआ था 1 अगस्त 2020 को, लेकिन कंपनी ने क्या किया यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट डेट को रिवाइज कर दिया और एक नया डेट दे दिया 3 अगस्त 2020 को। हो सकता है लिक्विडिटी इसी हो, इसलिए कंपनी ने यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट डेट को रिवाइज कर दिया। तो इस तरीके से आप अदर कंपनीज के एनसीडी को भी चेक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 212 वाले को लिया था। अब मान लेते हैं आप किसी कंपनी के बारे में देखना चाहते हो। वैसे तो एक कंपनी के कई सारे एनसीडीज होते हैं इन मार्केट में, तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट क्या है। अगर आपको रिसेंट नोटिफिकेशन में उस एनसीडी का रिकॉर्ड डेट नहीं मिलता है, तो आप बैक के डेट में जाकर चेक कर सकते हो। जैसे हमें सबसे पहले तो कुछ कुछ कंपनी है जो इक्विटी में नहीं है, यानी कि उनका शेयर लिस्टेड नहीं है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये दोनों कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो हमें यहाँ पर डेप्ट एंड अदर को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो लिस्टेड रहेंगे तो कुछ भी रहेगा तो आप सिलेक्ट करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर वो कंपनी इक्विटी मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो डेप्ट एंड अदर्स में करना होगा। और जैसे हमें सर्च करना होगा सिंपली, जैसे एग्जाम्पल के लिए टाटा कैपिटल ही ले लेते हैं हम लोग, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपको जिस भी एनसीडी में सिलेक्ट करना बाई करना, उस एनसीडी का आप ISIN नंबर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। फिर यहाँ पर जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर सेम वापस से पुराने प्रोसीडियर्स को फॉलो करना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर जितने भी TCFSL के एनसीडीज हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो। फिर यहाँ पर जैसे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाना अपने को, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाकर यहाँ पर इक्विटी को ऑल सेगमेंट करना, यहाँ पर सबमिट कर देना। यहाँ पर सबमिट करने से देखो आपको यहाँ पर दिख जा रहा रिकॉर्ड डेट इंटरेस्ट डिविडेंड रिडेम्पशन रिपेमेंट के लिए, मतलब ये है रिकॉर्ड डेट पता करने के लिए ये अनाउंसमेंट। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कई सारे ISIN नंबर है, जैसे कि इन सब ISIN नंबर या फिर एनसीडीज का रिकॉर्ड डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, द कंपनी हैज़ फिक्स्ड अगस्त 11 2020 एज रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक एनसीडी होल्डर्स। यानी कि 11 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में ये सब एनसीडीज होनी चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट पूरे साल का मिलेगा, अगर वो ईयरली कूपन पेमेंट वाली एनसीडी है, मंथली कूपन पेमेंट वाली एनसीडी है तो एक महीने का ही इंटरेस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी एनसीडी का या फिर कंपनी का इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।